हाय एवरीवन दिस इज विका आज का टॉपिक डिस्कशन का है गुरु गासीदास नेशनल पार्क इंडिया का फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व बनने वाला है इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आपकी कोई भी वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करने वाले हैं तो बता दूं छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम्स के लिए स्मार्ट कोर्सेस स्टडीआई क्यू अवेलेबल हैं चाहे छत्तीसगढ़ पी हो गया छत्तीसगढ़ जुडिशरी छत्तीसगढ़ एस छत्तीसगढ़ टी छत्तीसगढ़ जी के ई भी स्मार्ट कोर्सेज आपके कुछ कुछ अवेलेबल हैं इनके बारे में जानकारी लेने के लिए जो नीचे नंबर दिया है आप उन पर डिटेल में

इसको टाइगर रिज़र्व बनाने की बात की जा रही है डिसीजन जो है ये लिया गया छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड आ, के द्वारा जिसको चेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इससे पहले 2019 में ही ये डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई थी लेकिन फाइनली एन की जो मोहर लगती है जब आप कोई प्रपोजल बना के भेजेंगे तो उसके पीछे का पूरा प्रोसेस होगा ऐसे ही नहीं कि आज प्रपोजल भेजा और कल आपका नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बन गया राइट सो दर इज अ प्रोसेस तो फाइनली एन टी सी ए की यहाँ पे मोहर लग गई है तो देखिए 2019 से ये चीज चल रही है कि इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है छत्तीसगढ़ में और भी टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम देखिए इंद्रावती जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है उदानती सीता नदी ये गरियाबंद में है अचना कंवर ये बिलासपुर में है ठीक है तो ये तीन टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में हैं और अब इसकी बात हो रही है ऑब्जेक्टिव क्या है ये जो मीटिंग इन्होंने रिसेंटली कंडक्ट की कि हमको जो वाइल्ड बॉफ्लो है उसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट बर्ड हिल मायना ये जो रिसेंट मीटिंग में इन्होंने किन किन बर्ड्स पे बात की है वाइल्ड बॉफ्लो पे बात की गई है हिल माइना पे बात की गई है वल्चर्स पे बात की गई है और वल्चर्स पे रिसेंटली बिहार में भी बात की गई है कि बिहार में भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे वल्चर्स को कंजर्व करने की बात की गई है और ये छत्तीसगढ़ में भी देखिए सिमिलर लेवल पे बात चल रही है पॉपुलेशन टाइगर्स का इंक्रीज़ करना है तो टाइगर्स की बात यहाँ पे आती है थर्ड पॉइंट में कि टाइगर पॉपुलेशन को छत्तीसगढ़ इंक्रीज़ करना चाहता है और प्रोटेक्शन मेजर्स जो है टाइगर के लिए कंजर्वेशन एफ़र्ट्स को बढ़ाना चाहता है तो दो पॉइंट्स इनके मीटिंग के तो टाइगर के ऊपर ही हैं इसलिए यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है और इनफैक्ट अगर इंक्रीज़ करना है हमको टाइगर्स का नंबर छत्तीसगढ़ में तो उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए यहाँ पर रेडियो कॉलरिंग की बात की जा रही है कि इनके गले में कॉलर डाला जाएगा कॉलर क्यों डाला जाता है क्योंकि उससे आप एनिमल को ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी मूवमेंट कैसी है क्या वो ठीक से रह रहा है उसके बारे में और भी नॉलेज ले सकते हैं उससे आपके कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स इंप्रूव होंगे तो रेडियो कॉलरिंग की बात की जा रही है टाइगर की सेफ्टी के लिए और यहाँ पे रीसेटलमेंट चीता की भी करने की बात की जा रही है तो अलग अलग चीज़ें एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये लोग करेंगे और इसलिए हर चीज़ को सेग्रीगेट uh, किया जा रहा है कि किस तरीके से करना है अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि गुरुगासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा ये एक सिग्निकेंट सिग्निफिकेंट मूव होगा अगर बिग कैट्स की हम बात करें कि टाइगर की कंजर्वेशन के लिए और ऊपर से अगर टाइगर रिजर्व बन जाएगा यहाँ पर लोकल्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इलीगल माइनिंग जो इस एरिया में होती है वो भी बंद हो जाएगी तो काफ़ी सारे फायदे इसके हमको नज़र आते हैं टाइगर रिजर्व बनने के अब इस डिसीजन को और भी कई तरीक़े से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और डिसीजन भी सब्सिडरी साथ में लिए गए हैं कि वाटर रिसोर्सेस डेवलप किए जाएंगे क्योंकि अगर इतने सारे एनिमल्स हैं उनको आपने रखना है अच्छे से उनको कंजर्व करना है तो पानी का रिसोर्स होना चाहिए ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े लार्ज पॉन्ड्स बनाए जाएंगे फॉरेस्ट विलेजेस में और प्लांटेशन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की नारवाली वेजिटेबल्स की वो की जाएगी बैम्बू बनाना प्लांट किए जाएंगे ताकि एनिमल्स को सफिशेंटली खाना मिले उनको आगे पीछे वेंडर ना करना पड़े फूड और फॉर्डर की वजह से क्योंकि अगर एनिमल्स इधर से उधर वेंडर करेंगे तो क्या होगा आपको एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और उसमें कभी जानवरों की जान जाती है और कभी इंसानों की जान जाती है जो, जो कि दोनों ही अच्छा नहीं है तो तो इस कंफ्लिक्ट को रोकने के लिए और इससे एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसिस को रोकने के लिए यहाँ पे प्लांटेशन की जाएंगी ताकि सफिशेंटली खाना अवेलेबल रहे एनिमल्स के लिए अब गुरु गासीदास नेशनल पार्क के बारे में देखिए ये पार्क काफी पुराना है 1981 में स्टैब्लिश किया गया था इस टाइम पे गुरु घासीदास पार्क को संजय नेशनल पार्क कहा जाता था ठीक है और ये संजय नेशनल पार्क कहाँ आता था आपके मध्य प्रदेश में क्योंकि छत्तीसगढ़ तो बाद में बना पहले पूरा स्टेट आपका मध्य प्रदेश था फिर 2000 में इसका दो पार्थ में इसको बांटा गया जब दो पार्थ से बांटा गया तो 60 परसेंट जो संजय नेशनल पार्क है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंडर आ गया तब इसका नाम चेंज करके संजय नेशनल पार्क का छत्तीसगढ़ ने क्या रख दिया गुरु घासीदास नेशनल पार्क एक फेमस सतनामी रिफॉर्मिस्ट हीरो थे उनके नाम को उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम रख दिया गया अब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार हम डिस्कस करते हैं कब लॉन्च हुआ 1973 में नाइन टाइगर रिज़र्व से शुरू हुआ था तो आज देखिए कितना नंबर हो चुका है आपके टाइगर रिजर्व्स का कमेंट सेक्शन में बताइए और करेंटली वैसे तो लिख ही दिया मैंने करेंटली प्रोजेक्ट टाइगर कवरेज जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है अलग अलग टाइगर रेंज आ, स्टेट्स में उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है टाइगर रिज़र्व जो है एक बफर स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ पे चलते हैं कि किस तरह से कोर एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है सर्कल्स में किस तरीके से कहाँ पे कितना प्रोटेक्शन होगा मिक्स फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट लैंड मल्टीपल यूज़ एरिया के लिए फ़ॉरेस्ट को बनाया जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी आपकी चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर टाइगर कंजर्वेशन के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे एफ़र्ट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं तो अभी और लेटेस्ट इस पर भी अलग से वीडियो मैंने बनाया था कि ऑलमोस्ट 2967 टाइगर्स इंडिया में है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट ता, टाइगर रहा है हम यहाँ इन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर पाए 2006 से आप देख सकते हैं कितना पॉपुलेशन था और 2018 तक कितना पॉपुलेशन हो गया स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं और अब इंक्रीज भी हुए उनको भी आप इस मैप में ऐड कर सकते हैं अब गुरु घासी घासीदास की यहाँ पे बात की तो जन्म और डेथ इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं 1756 एंड 1850 18 दिसंबर नाइन सेवनटीन फिफ्टी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1836 में हुई ओके okay, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें बट एनी वे एटी की में इनकी डेथ हुई इनका जो विलेज है गिरोधपुरी 130 थर्टी किलोमीटर्स है रायपुर से छत्तीसगढ़ से ये एक अनटचबल फैमिली से बिलोंग करते थे जैसे उस टाइम आप जानते ही हैं कास्टिज्म एट पीक तो अनटचबल फैमिली से बिलोंग करते थे सोशियोपोलिटिकल मिसरूल इनको लगता था लूट प्लंडर उस टाइम चल रहा था लेकिन इन्होंने उन सब चीज़ों के जो अत्याचार होते थे जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई इक्वल राइट्स के लिए एडवोकेट किया बात की अनटचेबल कम्युनिटीज़ के लिए कि ये चीज़ सही नहीं है बाकी अनटचबल जो फैमिली के लोग थे वो चुपचाप सह लेते थे लेकिन ये सब कुछ सहते नहीं थे आवाज़ उठाते थे इनको जो हार्श ट्रीटमेंट इनके ब्रदरहुड के साथ हो रही थी इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसके लिए सल्यूशन सर्च कर रहे थे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए तो राइट right पाथ ढूंढते ढूंढते ये जगन्नाथपुरी तक गए ऑन हिज वे टू सारनगढ़ जो आज छत्तीसगढ़ में है कहते हैं वहाँ पे इनको ट्रू नॉलेज की प्राप्ति हुई जिस तरह से कहते हैं कि मेडिटेशन में आपको ट्रू नॉलेज का पता चलता है तो इन्होंने सतनाम पंथ जो है एक सेक्ट वो क्रिएट किया जो भी प्रिंसिपल्स थे उनके उनको यहाँ पे लोगों को बताया और कुछ लोग इस सेक्ट को फॉलो करने लग गए और ये सेक्ट बहुत ही ऑनेस्ट इंडस्ट्रियस ब्रदर ब्रदरहुड के बारे में बात करता था उन जो लोग इस सेक्ट को फॉलो करते हैं उनको सतनामीज़ कहा जाता है सतनामी प्रिंसिपल्स पे वो प्रिंसिपल्स हैं जो गुरु घासीदास के द्वारा सेट किए गए थे सोशियो रिलीजियस ऑर्डर सेटअप करने के लिए क्योंकि जो प्रीमियर पोजिशन उस टाइम पर ब्राह्मण्स को दी गई थी कि ब्राह्मण्स अपने आप को सबसे टॉप लेवल पर मानते थे और नीचे डिस्क्रिमिनेशन करते थे इन्होंने उसका बहिष्कार किया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये हायरारिकल कास्ट सिस्टम के ये खिलाफ़ थे तभी ये सेक्ट यहाँ पर बनाया गया वैसे भी अगर आप देखेंगे कि जितने भी छोटे छोटे सेक्ट्स निकल के आते हैं सामने यूजुअली वो उन लोगों के होते हैं जिनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो सेटअप है ये जो हरारकल सिस्टम है जो बना रखा है हम लोगों ने और डिस्क्रिमिनेशन की जाती है बाकी कास्ट के साथ जो कि बिल्कुल सही नहीं है उस वजह से ये सेक्ट्स आपके निकल के सामने आते हैं कुछ सेक्ट्स तो बहुत सही होते हैं जिस तरह से गुरुगासीदास का आप देखेंगे और भी लेकिन कुछ सेक्ट्स आप देखेंगे वो सही नहीं होते सेक्ट्स के नाम पे रिलीजन के नाम पे वहाँ पे बहुत गलत एक्टिविटीज़ भी होती हैं क्योंकि लोगों को गुमराह किया जाता है इसलिए हमको अपने सोसाइटी में ये सिस्टम सेट करने की ज़रूरत है कि हम कभी भी अपने कास्ट के बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें अब देखिए यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको एन टी सी ए बोलता है बोला जाता है जिन्होंने अभी मोहर लगाई लगा है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा दे कंडक्ट टाइगर सेंसस अक्रॉस इंडिया एवरी फोर ईयर्स टाइगर सेंसस यूजेस मोर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप नेम एम स्ट्राइप्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द काउंटिंग तो बताइए सही आंसर कौन सा है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी टेलीग्राम पे पोल के द्वारा आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और राइट आंसर के बारे में जाने पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेस की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच